हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए एफ जी के गोखले, ऑप्शन बी बी जी तिलक, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो आपको सही उत्तर बताना है, आपको कुछ समय दिया जा रहा है, जल्दी से उत्तर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा, केसरी पत्र का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी भाषा के समाचार पत्र केसरी का संपादन किया गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका संपादन उन्होंने 1881 में किया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है, इसमें तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वैलेंटाइन्स रोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था भारतीय अशांति का जनक? जो एक अंग्रेज थे वैलेंटाइन्स रोल, उन्होंने तिलक जी को भारतीय शांति का जनक कहा था। क्वेश्चन नंबर दो सेकंड है, भारत में राज्यों के राजस्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जो राज्य हैं उनके राजस्व में सर्वाधिक जो आय होती है वो किससे होती है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर सी आयकर, ऑप्शन नंबर डी कंपनी कर। आपको सही उत्तर बताना है, जल्दी से उत्तर सही बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर। कंपनी कर और आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, ये दोनों प्रत्यक्ष कर हैं। कंपनी कर और आयकर ये दोनों प्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। राज्यों को सर्वाधिक आय की प्राप्ति बिक्री कर द्वारा होती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1954। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों, जल्दी सही उत्तर बताइए दोस्तों, कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए 1945 में। भारत 1945 में राष्ट्र संघ का सदस्य बना, जबकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, किसने इसकी शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर सी नोबेल कमेटी और ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। आपको जल्दी से आंसर बताना है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी बताइए दोस्तों, कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक। स्वीडिश बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर 1968 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की थी। ये स्टॉकहोम में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, अर्थशास्त्र का स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी गोखले जी, ऑप्शन नंबर सी तिलक जी, ऑप्शन नंबर डी नौरोजी। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे, हरिजन जो पत्रिका थी उसके प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में, ये जो हरिजन पत्रिका थी ये साप्ताहिक समाचार पत्र थी, इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन किस भाषा में थी, अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में शुरू की थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हरिजन किस भाषा की पत्रिका है तो अंग्रेजी की, अगर हरिजन बंधु पूछा जाता है तो गुजराती की, और हरिजन सेवक पूछा जाता है तो हिंदी की, और ये तीनों पत्रिकाएँ गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ये साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, किसने यह विचार किया था भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कावेरी,
ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों, आपको कुछ समय दिया जा रहा है, जल्दी सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, HYB कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर बी नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक कृषि, पारंपरिक जो कृषि होती है वो, ऑप्शन नंबर डी नव कृषि नीति जिसे हम हरित क्रांति भी कहते हैं। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों, कुछ समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नव कृषि नीति यानी कि हरित क्रांति, HYB हाई यील्डिंग वेराइटीज, जो इसकी फुल फॉर्म होती है HYB की हाई यील्डिंग वेराइटीज को भारत में नव कृषि नीति अथवा हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत MS स्वामीनाथन ने 1966 में की गई थी, 1966 में MS स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत की थी और इसीलिए उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन नंबर ए है 59वां, ऑप्शन नंबर बी 60वां, ऑप्शन नंबर बी 61वां, ऑप्शन नंबर सी 61वां, ऑप्शन नंबर डी 62वां। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों, आपको कुछ समय दिया जा रहा है, जल्दी आंसर बताइए कि संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है, किसके बारे में ये शब्द कहा गया है, किसके लिए ये उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी प्रेस, ऑप्शन नंबर सी विधायिका, ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका। आपको सही उत्तर बताना है, चौथा खंबा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, चौथा खंबा किसको कहा जाता है? न्यायपालिका, प्रेस, विधायिका, कार्यपालिका। तो सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों, कुछ समय आपको दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रेस, ऑप्शन नंबर बी प्रेस। प्रेस को चौथा खंबा, लोकतांत्रिक देशों में प्रेस को कहा जाता है। विधायिका संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इसके अन्य तीन स्तंभ हैं। अगर आपसे लोकतांत्रिक देशों में चार स्तंभ पूछे जाते हैं, चार स्तंभ जो प्रमुख चार स्तंभ क्या हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रेस। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जरूर पूरा देखना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।